Assalamualaikum, welcome back to my channel. आप सब देख रहे हैं Cooking with Farinaz YouTube channel. तो आज मैं बना रही हूँ, मुझे मेरे घर में ख़त्म हो गया था चॉकलेट सॉस, तो मैं ये बना रही हूँ. मैं बना के अक्सर ये रखती हूँ अपने खानों में, अक्सर मतलब केक के टॉपिंग पे या फिर शेक्स वगैरह में. मैं चॉकलेट शेक्स है, आइसक्रीम्स वगैरह पे मैं ये यूज़ करती हूँ. बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे घर में मौजूद होते हैं. तो मैं ये बना रही थी तो मैंने सोचा इसका छोटा सा क्लिप मैं क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ. तो चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है, यहाँ पर दूध लिया है मैंने 1 कप, कोको पाउडर है यहाँ पर 5 टेबल स्पून. अभी इसको मैंने मेजर नहीं किया, जस्ट मैंने ऐसे ही निकाला है. और मैंने ये वाली ब्रांड का यूज़ किया है. शुगर लिए यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून, बटर लिया है यहाँ पे मैंने, अनसॉल्टेड बटर है ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और पानी लिया है यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ा सा. चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो एक फ्राई पैन लेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑन, और ये मिल्क जो है ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी. तो थोड़ा सा मिल्क इसके अंदर से मैं बचा दूंगी, सिर्फ इतना सा मिल्क मैंने इसके अंदर से बचा दिया है. मिल्क को जो है थोड़ा सा पकने देंगे, बॉयल आने देंगे जब तक मैं अपना दूसरा प्रोसेस कर लेती हूँ. एक बाउल लेंगे सबसे पहले, और ये स्टैंडर्ड लिया है मैंने. तो अब ये कोको पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है, 5 टेबल स्पून लूँगी मैं इसे. कोको पाउडर को जो है बिल्कुल लेवल करके लेना है, 1 टेबल स्पून. टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4, 5 टेबल स्पून. और अब इसे स्टैंड कर लेंगे और इसे हटा देंगे. कॉर्नफ्लोर और ये कोको पाउडर को इसलिए इसके अंदर डाल के छानना है, स्टैंड करना है, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें और ये जल्दी से डिजॉल्व हो जाए पानी के अंदर और मिल्क के अंदर. इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी. ये देखें, ये लास्ट का है, ये मैं रहने दूंगी, ये मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालूंगी. इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं ये मैं नहीं डालूंगी, ये मैं हटा दूंगी इसके अंदर से. ये मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये बचा हुआ दूध, थोड़ा सा जो हमने बचाया था, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. इसे मिक्स करके डालना है हमें दूध के अंदर, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. अगर मैं दूध के साथ इसे डाल देती तो इसके अंदर जो है वो लम्स बन जाते, गुठलियाँ बन जाती, तो इसलिए मैं इसे डिसॉल्व करके पानी में हल करके फिर डालती हूँ. इसे जो है विक्स की मदद से अच्छे तरीके से इसे हल करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, गुठली कोई ना रहे कोको पाउडर की और कॉर्नफ्लोर की. ये देखें हल हो गया, मिक्स हो गया, ये पूरा डिसॉल्व हो गया. अब हम इसमें इसे दूध में डालेंगे, और उससे पहले दूध के अंदर ये शुगर ऐड करेंगे. अब ये दूध के अंदर जो है ये मैं शुगर ऐड करूंगी, 5 टेबल स्पून शुगर है हमारी, और 5 टेबल स्पून ही हमारा कोको पाउडर था. जितना कोको पाउडर होगा उतनी ही हमने शुगर ऐड करनी है. और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर वाला बैटर हमारा. तो ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया. तो अब इसे जो है बराबर बराबर चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि नीचे भी ना लगे,
ये देखें इसको जो है बराबर से चम्मच चलाना है, ये बिल्कुल भी ना लगे। अगर नॉन स्टिक का बर्तन है आपके पास तो आप उसमें बना लें, वरना जिस तरह का भी आपके पास बर्तन है या फ्राई पैन है तो आप जिसमें बनाना चाहे बना सकते हैं। इसे बस नीचे लगने नहीं देना, मुसलसल आपने इस तरह से चम्मच चलाते जाना है और बराबर से भी उतारते जाना है। ये बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अक्सर चॉकलेट केक की टॉपिंग्स पे या चॉकलेट मॉस या चॉकलेट चॉकलेट शेक पे आप डाल सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम की पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं टॉपिंग के लिए। ये बहुत आसान और देखें घर में ही था सब कुछ, तो ये बन गया। मैं ये रखती हूँ बनाकर। चलो अब ये रेडी हो गया। अब ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर। ये अनसॉल्टेड बटर है, ये मेरा होममेड है बटर। इसे मिक्स करेंगे। बटर हम इसलिए इसमें डालते हैं ताकि चॉकलेट सॉस में हमारी शाइनिंग आ जाए। ये काफ़ी टाइम तक चलता है, आप इसे फ्रिज में रख दें बनाकर, और जब आपने इस्तेमाल करना है तो आप हमारे मज़े से निकालें और इसे यूज़ करें, अपनी टॉपिंग करें मनपसंद केक्स पर, ब्राउनीज पर। बटर डालने के बाद इसे सिर्फ मैंने जस्ट 1 सेकंड इसे 1 मिनट के लिए इसे पकाया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है वरना ये जल जाएगा। देखिए शाइनिंग आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी शाइनिंग आ रही है। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पे डिश में डाल के ठंडा होने दूंगी। और अब मैं इसे डाल दूंगी एक बाउल के अंदर ताकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। और फिर मैं इसे किस तरह से सेव करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी, पहले ये ठंडा हो जाए। इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा है, ये बाज़ार से भी अच्छी सॉस बनती है, इतनी स्वीट बनती है। और शाइनिंग देखें कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है, ये मक्खन डालने की वजह से आई है। ये जो है मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर इसे मैं किस तरह से सेव करूंगी ड्रॉपर्स में मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये रूम टेम्परेचर पे जो है चॉकलेट सॉस बिल्कुल तैयार हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। और इसकी शाइनिंग देखें आपको कैसे नज़र अगर आ रही है तो अब इसे जो है मेरे पास इस तरह से बॉटल्स होती हैं, मैं इसमें डाल देती हूँ। 2 बॉटल्स हैं, जितनी भी बॉटल्स में आएगा 1 में 2 में मैं इसे डाल दूंगी और इसे मैं सेव करके रख दूंगी। जब भी मुझे किसी चीज़ में इस्तेमाल करना होगा जैसे आइसक्रीम में, चॉकलेट शेक में, या फिर केक्स वगैरह पे, केक्स की टॉपिंग पे, जिस पे भी आपको इस्तेमाल करना है इस तरह से आप ये टॉपिंग पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे डालूंगी इसके कंटेनर्स के अंदर, ये जो मेरे पास छोटे छोटे से बॉटल्स हैं। तो ये मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे वॉश कर लिया और इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी का कोई ड्रॉप्स नहीं है। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। तो ये एक ये लिया है मैंने इस तरह से, अब ये मैं इसमें डालूंगी। इससे बहुत आसानी से चला जाता है अंदर, ऐसे रखें और इसे बड़े मज़े से डालें। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे किचन को जो है किचन में जो है काम करने में बहुत आसानी से जो है ना हमारी हेल्प करती हैं। ये देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है लेकिन कितने बड़े बड़े काम करती हैं। ये देखें ये एक बॉटल जो है मेरी बिल्कुल फुल हो गई है। अब मैं इसी तरह से दूसरी बॉटल को भी जो है जितना भी है सारा बचा हुआ उसमें डाल दूंगी। ये देखें कितना अच्छा मेरा ये बिल्कुल होममेड रेडीमेड तैयार हो गया। बाजार के बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 350-400 का सिर्फ एक बॉटल आती है। बेस्ट है कि हम घर में बनाएं। अब इसी तरह से मैं दूसरी बॉटल को भी फिल कर लूंगी। सारा इसमें चला गया। अब ये भी सारा बाउल जो है स्पैचुले से मैं साफ करूंगी और इसमें डाल दूंगी। ये देखा छोटी छोटी चीजों ने हमारी लाइफ कितनी आसान कर दी है। एक छोटा सा सिलिकॉन का स्पैचुला, इसे सारा साफ कर लूंगी और डाल दूंगी। ये देखें इस तरह बिल्कुल भी मटेरियल जो है हमारा वेस्ट नहीं होता और काम भी हमारा बहुत आसानी से हो जाता है।
ये बड़े मजे से जाएगा इसके अंदर। ये देखें ये वाली बॉटल्स के अंदर भी जो है मैक्सिमम ये आ गया इतना, तो अब ये सारा इसके अंदर जा चुका जितना जाना था। अच्छा इसके अंदर भी देखें कितना सारा जो है चॉकलेट सॉस लगा हुआ है। इसे मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, देखें इसके साथ मैं क्या करूंगी, कैसे इसे सेव करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है और उसमें 3 से 4 अदद मैंने आइस क्यूब्स डाली हैं, और अब इस फनल को मैं इसके अंदर खड़ा कर दूंगी ग्लास के अंदर, और ऊपर से ठंडा किया हुआ मिल्क डाल दूंगी, बॉयल मिल्क 1 कप इसके अंदर मिल्क डाल देंगे जितना हमारे ग्लास के अंदर आएगा, और ये सारा चॉकलेट सॉस जो लगा हुआ है फनल के अंदर वो सारा जो है मिल्क के साथ ग्लास में चला जाएगा, और इस तरह से हमारा चॉकलेट मिल्क भी रेडी हो जाएगा। इस तरह से चॉकलेट सॉस जो फनल के अंदर है वो वेस्ट भी नहीं होगी। तो ये तैयार हो गया हमारा, और फनल भी हमारा बिल्कुल अंदर से क्लीन हो गया, इसे हटा देंगे, और कितना मज़े का चॉकलेट मिल्क यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। और इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट जो है चॉकलेट सॉस जो हमने बनाई है इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे, टॉपिंग कर देंगे इसकी। तो तैयार है यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा होममेड चॉकलेट सॉस। तो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा होममेड चॉकलेट सॉस कैसा लगा। और ये मिल्क बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। तो मेरी चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 o